नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई के तहत आज आजमगढ़ के विभिन्न थानों की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसके बाद जनपदवासियों में खुशी की लहर है और पुलिस के प्रति जनपदवासियों की उम्मीदें बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि अपराध नियंत्रण पे अब पुलिस प्रशासन डंडा चल चुका है। इसी के तहत थाना गंभीरपुर पुलिस ने भी तमंचे व कारतूस के साथ जहां 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना अरोला की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपने नाम एक कामयाबी हासिल की है। बात करें अगर मुबारकपुर पुलिस की, तो मुबारकपुर पुलिस ने भी चर्चित अंगद यादव हत्याकांड के एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही मेनाजपुर पुलिस ने भी पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किया है। तो वहीं अतरौलिया पुलिस ने भी दबिश के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपने नाम बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ में समझ थाना द्वारा शांति व्यवस्था कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC कार्रवाई की गई है।